दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है और मीटिंग में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी शिरकत की। वहीं बैठक में 2019 को लेकर मंथन हुआ है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। वहीं मीटिंग में हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला भी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल रहे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव मोदी सरकार की उपलब्धियों और बीजेपी संगठन की शक्ति के आधार पर लड़ा जाएगा। हमारी दिक्कत क्या है कि वो न मुद्दों पे लड़ते हैं न काम पे लड़ते हैं, वो झूठ पर लड़ते हैं। रोज एक नया झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना, झूठ गढ़ना और झूठ को रिपीट करना, ये उनकी आदत बन गई है। तो मोदी जी ने कहा कि हमारी एक समस्या है कि हम नीति के साथ लड़ने को तैयार हैं लेकिन झूठ के साथ लड़ना हमें नहीं आता, लेकिन अब रणनीति के तहत उनके झूठ का जवाब देना चाहिए और अपने काम से जवाब देना चाहिए। हरियाणा में इस बार त्रिशंकु चुनाव माना जा रहा है, यानी कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो में सीधी टक्कर है। सीएम मनोहर लाल खट्टर लगातार प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर विकास का बखान कर रहे हैं, तो वहीं इनेलो और कांग्रेस रैलियां कर सरकार की खामियां गिना रही हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज़।